मेहर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मां शारदा के दरबार में दर्शन करने के बाद दशहरा मैदान में आम जनसभा को संबोधित किया, जिनके साथ नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित हुए। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह व कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन नेताओं को सुनने हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा। कांग्रेस की जन जागरण यात्रा लेकर कमलनाथ मेहर पहुंचे कमलनाथ ने फर्जी राष्ट्रवाद पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। साथ ही वादा किया कि कांग्रेस किसानों का सम्मान करेगी, कृषि को लाभ का कार्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जितने उद्योग लगते नहीं उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। नौजवान काम चाहता है, शासकीय राशि वही लगेगी जहां नौजवान को रोजगार मिलेगा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर वन में हो गया, कुपोषण में नंबर वन हो गया, गंगा साफ नहीं हुई, बैंक साफ हो गए, पेट्रोल सबसे महंगा हो गया, बेरोजगारी में बीएमपी को एक नंबर बना रहे हैं। वहीं अजय सिंह राहुल ने कहा कि सीएम ने स्कूली बच्चों व सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। साथ कहा कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सभा में आज की सभा के एक चौथाई लोग रहे। वहीं कमलनाथ ने मेहर को जिला बनाने की बात कही। अभी मैं सुन रहा था गरीब जी को कह रहे थे अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर मगर चिंतों परंतों की बात नहीं है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं तो शुरू में ही लेना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार मैया को जिला बनाएगी। जब प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे कभी नहीं देखा कि हमारा किसान परेशान, नौजवान भटकता हुआ नौजवान, हमारे व्यापारी बस परेशान, मजदूर परेशान, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे। आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे आप सुनते थे राहुल जी को, ये खर्चा किसका है? ये तो लाते हैं कर्मचारी, फिर ले लाते हैं कर्मचारी, छोटा कर्मचारी को कहा जाता है कि आप 20 बस ले आना, 30 बस ले आना, सही बात है। ये खर्चा पंडाल का खर्चा, करोड़ रुपए का पंडाल, ये काम जाम ये शासकीय खर्चे से होता है, ये कितनी बड़ी लूट है। मैं तो सब भाइयों को कहता हूं, ये हमारे प्रदेश की संपत्ति, हमारे प्रदेश की जनता की जो संपत्ति है, किस प्रकार से लूट रहे हैं। सतना से उत्तम पांडेय की रिपोर्ट।